हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मैंने तुम लोगों से सांवले सपनों की याद वाले चैप्टर में पूछा था कि किन किन लोगों को बर्ड्स पसंद है, एनिमल्स पसंद है और नेचर पसंद है। तो तुम लोगों में से बहुत जन ने कमेंट करके मुझे बताया और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पोएम है वो भी नेचर से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो पोएट है विलियम बटलर ईस्ट, उनको नेचर बहुत पसंद है और उन्होंने हमें इस पोएम में इनिसफ्री के बारे में बताया है। इनिसफ्री जो है वो आइलैंड पर एक छोटा सा जगह है और वहाँ पर बहुत शांति है। तो पोएट जब छोटे थे तो वो इनिसफ्री में गए थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। यानी कि वो अपने बचपन में उस जगह पर गए थे और वहाँ पर बहुत शांति मिली थी उनको और वो जगह उनको बहुत पसंद आई थी। तो अब जब पोएट बड़े हो गए हैं तो वो सिटी में रहते हैं और वो काफ़ी ही बिजी रहते हैं और सिटी का जो लाइफ होता है, बिजी और हेक्टिक लाइफ, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है और वो इनिसफ्री में वापस जाना चाहते हैं और वहीं पर सेटल हो जाना चाहते हैं। तो उनकी जो लॉन्गिंग है, यानी उनकी जो इच्छा है इनिसफ्री में जाने का, वही उन्होंने हमें इस पोएम में समझाया है। तो चलो पोएम शुरू करते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मैं उठूंगा और सीधे इनिसफ्री चला जाऊंगा। यानी कि जैसे ही वो सोकर उठेंगे वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और उठते ना उठते वो इनिसफ्री चले जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, यानी कि एक छोटा सा रूम बनाऊंगा। किससे? क्ले से और बॉटल्स से। क्ले क्या होता है? मिट्टी को कहते हैं। और बॉटल्स यानी कि लकड़ियाँ, जिससे हम फेंस या वॉल्स बनाते हैं उसे कहते हैं बॉटल्स। तो वो कहते हैं कि वो अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाएंगे क्ले से और बॉटल्स से, यानी कि लकड़ियों से। फिर वो कहते हैं 9 रोज में बीन्स के पौधे लगाएंगे और वो एक हनी बी का छत्ता ढूंढ लेंगे हनी कलेक्ट करने के लिए। और फिर वो वहाँ पर अकेले रहेंगे, इनिसफ्री में अकेले रहेंगे एकदम शांति में, और वो बीस का जो बज का आवाज़ होता है उसे सुनते सुनते वो अपना पूरा जीवन वहीं पर बिता देंगे। यानी कि बीस की आवाज़ में उनको बहुत ही पीस मिलेगा और वो वहाँ पर अकेले रहकर अपना जीवन जो है वो पूरा पीसफुली वहाँ पर स्पेंड कर देंगे। फिर सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मैं जब इनिसफ्री जाऊँगा तो मुझे वहाँ कुछ तो शांति मिलेगी। तो पोएट यहाँ ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी कि अभी पोएट जो है वो सिटी लाइफ में रहते हैं, यानी सिटी में रहते हैं, उनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है और हेक्टिक होता है। तो वो इस लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं और वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं इनिसफ्री जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी और उनके लाइफ में ये जो शांति है वो धीरे धीरे आएगी। जैसे कि सुबह जो होती है ना वो धीरे धीरे होती है, यानी कि सबसे पहले डॉन होता है यानी कि भोर होता है, फिर धीरे धीरे जो सूरज है वो निकलता है और सुबह हो जाती है। और एक बात यहाँ पर वेल्स क्या है, तो जो क्रिश्चियन ब्राइड होती है ना वो वाइट कलर का गाउन पहनती हैं अपने शादी के टाइम, और उनके पीछे एक घूंघट टाइप का एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है जो बहुत ही लंबा होता है। एंड देन वो जो ब्राइड है वो धीरे धीरे चलती है। तो पोएट ने यहाँ पर वेल्स से और सुबह से, यानी कि जैसे वो दुल्हन का कपड़ा पीछे वाला, मतलब वो वेल्स उठाया जाता है तो वो दुल्हन जो है वो वॉक करती है, चलती है, एंड सुबह जो है वो धीरे धीरे होती है, ठीक वैसे ही पोएट के लाइफ में जो शांति है वो भी धीरे धीरे आएगी जब वो इनिसफ्री चले जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि जब सुबह हो जाएगी तो उन्हें क्रिकेट के गाने की आवाज़ सुनाई देगी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ही शांति मिलेगी। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है वो एक कीड़ा है जो कि ग्रासहॉपर की तरह दिखने में होता है, जिसे हम लोग हिंदी में झिंगर या फिर झिंगुर कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि रात में उन्हें वहाँ पर तारों से भरा आसमान देखने को मिलेगा। यानी कि इनिसफ्री जो है वो एक नेचर से जुड़ा हुआ एक जगह है, तो वहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पर साफ आसमान है, तो रात को उन्हें सारे तारे जो है वो साफ नजर आएंगे। जबकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो कवि है वो सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें तारे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन होता है। तो इसी वजह से कवि जो है वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर सारे तारे दिखेंगे। और फिर वो कहते हैं कि वो नून में, यानी कि दोपहर के टाइम, सन के पर्पल ग्लो को देख सकते हैं, यानी कि
सूरज जब चमकता है दोपहर में तो उसे भी वो क्लियरली देख सकते हैं इनिसफ्री में, जबकि वो सिटी में नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, तो सन जो है वो पूरा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता सिटी में। इसलिए वो कहते हैं कि सुबह में वो क्रिकेट के गाने की आवाज़ सुन पाएंगे, शाम को वो टिमटिमाते तारों से भरा आसमान देख पाएंगे और दोपहर में उनको चमकता हुआ सूरज भी नज़र आएगा। और फिर वो कहते हैं कि शाम को वो लिनिट, जो कि एक चिड़िया का नाम है, उसे भी उड़ता हुआ देख पाएंगे। तो इन सब से पोइट को जो है वो बहुत ज़्यादा ही शांति मिलेगी, इसलिए वो इनिसफ्री में जाना चाहते हैं। फिर थर्ड स्टैंजा में पोइट हमसे कहते हैं कि वो सीधा उठेंगे और वो इनिसफ्री चले जाएंगे, यानी सारे रात के लिए, सारे दिन के लिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए वो इनिसफ्री में चले जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सीधे उठूंगा और इनिसफ्री चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर पोइट हमें बताते हैं कि जब भी वो रोडवे पे, यानी कि रास्ते के किनारे, या फिर पेवमेंट पे, यानी कि फुटपाथ पर खड़े रहते हैं, तो उन्हें लेक आयल, जो कि इनिसफ्री में है, उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। और ये आवाज़ उन्हें कहाँ से सुनाई देती है? अपने दिल के अंदर से, यानी कि ये आवाज़ उनके दिल के अंदर से आती है। तो ये था हमारा पोइम जिसमें पोइट ने अपने डिज़ायर को एक्सप्लेन किया है कि वो इनिसफ्री में जाना चाहते हैं, और उन्होंने अपने प्लानिंग्स को बताया है कि वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आई होप तुम लोग को ये पोइम समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या तुम लोग भी नेचर से जुड़ी हुई जगहों पर रहना चाहते हो या नहीं। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।